क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सीलरेशन का मतलब हम क्या जानते हैं? देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद क्या होता है? टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, और समय का ऐसा यूनिट वही सेकेंड। ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन को ए बोला जाता है। ठीक, अब एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला इस प्रकार हो जाएगा। अब ये क्या है? मीटर। मीटर क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया आपका? एल, है ना, एल। तो यहाँ पे मीटर के लिए आप क्या लिखेंगे? एल। और यहाँ पे क्या है? एस स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? समय को। ठीक, एस समय को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से समय का क्या है? देखिए, टाइम सेकेंड, यानी कि समय एक प्रकार का टाइम हो गया। और टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या है? टी है। तो यहाँ पे टी लिखेंगे। यहाँ पे पावर कितना है? टू। अब इसको अगर सीधा लिखेंगे तो एल टी टू दी पावर माइनस टू हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज देखिए, मास तो नहीं है, तो जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि मास का डायमेंशन फार्मूला एम होता है। चाहे आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, इसको नहीं लेकर के एल टी टू दी पावर माइनस टू ही लिखे। दोनों क्या है? सही है। ये हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। चलिए अब हम बात करेंगे कि बल का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाले। फाइंड अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि जिसका आपको डायमेंशन फार्मूला निकाला है, उसका आप पहले सूत्र निकालिए। तो फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इनटू मास। सो एफ बराबर क्या हो गया? एक्सीलरेशन का ए, मास का एम, या और एम ए, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स बराबर क्या हो गया? एम ए। तो फोर्स का क्या निकालना है? डायमेंशन फार्मूला। फोर्स का निकालना है डायमेंशन फार्मूला। तो आप मास का डायमेंशन फार्मूला निकालोगे, इसके बाद एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला निकालोगे। ठीक, तो मास, मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखिए, मास है, मास का डायमेंशन फार्मूला हो जाता है एम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे एम। ठीक, और त्वरण का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? त्वरण एक प्रकार का वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का हो जाएगा क्या? इसका अंतर करेंगे तो आप मीटर पर सेकेंड ही आएगा, और इसके लिए सेकेंड ही आएगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान रखिए, ये एम जो है यहाँ पे, ये मीटर लेंथ बताता है, और ये एम यहाँ पे मास बता रहा है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा एम का एल, और एस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ये समय है, और समय का डायमेंशन फार्मूला टी होता है, और एम मीटर है, यानी कि एक प्रकार का लेंथ हो गया। तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ये देखिए एल। ठीक, तो एल और समय को आप टी टू दी पावर माइनस टू, यहाँ पे वो डिवीजन फॉर्मेट में है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो ए बराबर आपका क्या निकल गया डायमेंशन फार्मूला? ये निकल गया, ए बराबर डायमेंशन फार्मूला इतना निकल गया। तब ए का वैल्यू यहाँ पे ये निकाले, यहाँ पे रख दीजिए, और माइनस टू निकल गया। तो बल का डायमेंशन फार्मूला ये निकल गया एम
पावर वन, एल टू दी पावर वन और टी टू दी पावर माइनस टू, ये आपका फाइनल में निकल गया। ठीक ऐसे।